ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है मेरे शिव बॉक्स 1M यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसलिए इस कहानी को ध्यान लगाकर सुनिएगा। तो चले बिना किसी देरी किए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं महादेव आज अपने प्यारे बच्चों से उनके दिल की बातें जानने आया हूँ। मेरे बच्चों ने, जीवन आपको बहुत मुश्किलों के बाद मिला है। इस जीवन में आपको अच्छे कार्य करने हैं। आज संदेश मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप उसे अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। आपको अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना है, ना ही भविष्य के लिए दिन में जागते हुए सपने देखने हैं, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना है। अगर कोई व्यक्ति आकाश में मिट्टी उछालने कोशिश करता है तो वे उसके मुंह पर ही आकर गिरती है। उसी तरह मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने कोशिश करता है तो उनका खुद का ही बुरा होता है। अगर आपको बुरा कार्य करते हैं तो आप अपने मन में बहुत रखते हैं, इसलिए कभी बुरा कार्य ना करें। हमेशा खुशी खुशी अपना जीवन यापन करें। जीवन में आपको अपने शब्द और कर्मों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हजारों को खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है, इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। आपको जीवन में सबके साथ खुशियां बांटनी चाहिए, क्योंकि खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती है। आपको अपना जीवन खुशी से बिताना चाहिए, क्योंकि खुशी इससे पर निर्भर नहीं करती क्या आपके पास क्या है और क्या नहीं। हम चाहे कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे शब्द सुने, लेकिन जब तक उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तब तक उसका कोई फायदा नहीं होता है। परमात्मा किसी का भाग्य नहीं लिखा करते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म हमारे भाग्य लिखते हैं। अपने तन को स्वस्थ रखना भी कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मन और सोच को अच्छा साफ नहीं रख पाएंगे। हमेशा अच्छा सोचो, आपके साथ अच्छा ही होगा। कभी भी किस्मत के भरोसे बैठकर अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं, मुझ पर विश्वास होने के साथ साथ मेहनत भी करिए। हमेशा अच्छा सोचो, आपके साथ अच्छा ही होगा। कभी भी किस्मत के भरोसे बैठकर अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए। भगवान होने का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं। जीवन में एक लक्ष्य को लेकर चलें। अपना समय इधर उधर की बातों में बर्बाद ना करें, क्योंकि इस समय दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा। आपका हर एक पल कीमती है। हर एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। इसलिए अपने जीवन के हर एक पल को अच्छे कार्यों में लगाएं। हर एक पल आपके लिए बहुमूल्य है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति होता है जिसे सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से कभी डर नहीं लगता है।
जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है उसे मृत्यु से कभी डर नहीं लगता है। आपको अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना है, ना ही भविष्य के लिए दिन में जागते हुए सपने देखने हैं, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना है। अगर कोई व्यक्ति आकाश में मिट्टी उछालने कोशिश करता है तो वे उसके मुंह पर ही आकर गिरती है। उसी तरह मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने कोशिश करता है तो उनका खुद का ही बुरा होता है। अगर आपको बुरा कार्य करते हैं तो आप अपने मन में बहुत रखते हैं, इसलिए कभी बुरा कार्य ना करी हमेशा खुशी खुशी अपना जीवन यापन करें। जीवन में आपको अपने शब्द और कर्मों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हजारों को खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। तुम्हें आज वह कार्य करने हैं जो मैं तुम्हें कहूँगा। कुछ कार्य तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं तो कुछ कार्य तुम्हारे जीवन में चल रही परेशानियों का समाधान करने के लिए मेरे द्वारा बताए जाएंगे। अगले 3 दिन के अंदर ही तुम्हें इतना बदलाव दिखने लगेगा कि तुम स्वयं ही अपने जीवन में परिवर्तन होते हुए देखोगे। इसलिए मेरे बच्चे, अब मैं जो तुम्हें कहूँ उसे मानकर अपने जीवन की भूल सुधारना। तुम्हारे जीवन का सबसे पहला कार्य तुम्हें यह करना है कि तुम आज के बाद जितने भी कार्य करोगे उन्हें बिना सोचे समझे नहीं करोगे। जब तुम ऐसा करना शुरू करोगे तब तुम्हें एक अलग सा बदलाव तुम्हारे अंदर नजर आएगा और यह बदलाव ही तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगा। मेरे बच्चे, कार्यों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो वह हमारे जीवन में अपनी अहम भूमिका निभाता है। यदि वह कार्य बुरा हुआ तो उसका फल तुम्हें अच्छा कभी नहीं मिल सकता। इसलिए सबसे पहला कार्य तुम्हें यही करना है। दूसरा कार्य जो तुम्हें करना है वह तुम्हें अपने अंदर से उन चीजों को दूर करना है जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें आलस या फिर बुराई की ओर लेकर जाती है। ऐसी चीजें तुम्हारे जीवन को केवल खराब करती हैं। जैसे मान लो यदि तुम किसी शराबी इंसानों के साथ बैठते हो तो एक ना एक दिन तुम्हें भी उनकी शराब की लत अवश्य लग जाएगी। वैसे ही यदि तुम बुरे व्यक्तियों के साथ अपने समय को व्यतीत करते हो तो वह केवल तुम्हें बुराई की ओर लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें किस प्रकार का जीवन चाहिए। तुमने जो अच्छे कार्य किए थे उन सभी कार्यों को मैंने स्वयं देखा है और उनसे खुश होकर ही मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों को समाप्त करने के लिए उपाय बताने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही प्रार्थना मुझसे करते हो और उन सभी प्रार्थना को मैंने स्वीकार कर लिया है। मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां भर दूंगा। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है, इसलिए आज तुम्हारे प्रभु स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं ताकि तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिले जिनके लिए तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है, किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिसके परिणाम बहुत बुरे हो। मेरे बच्चे, इसलिए यह संदेश तुम्हारा सुनना बहुत आवश्यक है। आज तुम्हें जो बातें मैं बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन को निश्चित रूप से बदल कर रख देगी और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें इस संदेश के अंत तक अपने अंदर स्वयं ऐसा अनुभव होगा कि वह सब कुछ होना शुरू हो गया है।
जो तुम पाना चाहते थे। तुम्हें अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाएंगी और तुम्हारे अधिकतर कार्य बनना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह भी याद रखना कि इस संदेश के बीच में तुम्हें बहुत सी बातें मैं बताऊंगा जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी साबित होंगी, इसलिए मेरी बातों को अनदेखा करके मुझे निराश मत करना। जीवन की समस्या और भी ज्यादा हावी हो जाती है जब मनुष्य स्वयं को कमजोर समझने लगता है, इसलिए तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर ही विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को शांत रखना सीखें, क्योंकि शांति वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है तथा जिसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की गलती नहीं होती। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को शांत रखना सीखो और तुम मेरे उन प्रिय भक्तों में से एक हो जिन्होंने सदैव मुझे स्मरण रखा है और मेरी भक्ति करके यह साबित किया है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम ही मेरी शक्ति है और अब तुम अपने प्रभु की शक्ति देखकर अचंभित रह जाओगे। जब तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होने लगेंगे, इसलिए तुम अब मत घबराओ। मेरे इस संदेश के बाद ही तुम्हें अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाएगी और तुम स्वयं यह चीज महसूस करोगे कि तुम्हें अब वह सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो चुका है जो तुम चाहते थे। मेरे बच्चे, ईश्वर तो सदा अपने भक्तों को पल भर में ही सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। सबका ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने के लिए तो कभी अपनों के लिए। इस वीडियो को बोलते समय कुछ त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव लिख दीजिए। धन्यवाद। तुम्हारा कल्याण हो, सदा खुश रहना।